तुम चलना। कंग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन व्यूज, मोर देन 1 मिलियन व्यू क्रॉस किया है, बहुत बहुत बधाई आपको भाई। फोटो ले रहे हैं ना अपना, एकदम सेंटर फिर अलग से लेना, वो भी सेलेक्ट करना से आई सर। मैंने कंपोज किया और इट्स अ ब्यूटीफुल शूट इन द रिमोट लोकेशन ऑफ लद्दाख। तो आपके सामने इस गाने के दो लाइन पेश करते हैं। तुम चलना इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये गाना बना, लाइव सिंपनी रिकॉर्ड किया इसके लिए। तो द सॉन्ग हैज अ वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल सोलफुल फील टू इट, इट्स अ प्योरली मेलोडिक सॉन्ग। सो आई एम हैप्पी दैट वी डिड नॉट फॉलो कि ये गाना चल रहा है इसलिए इस तरह कुछ बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके बावजूद लोगों ने एक सोलफुल गाने को इस तरह से उन्होंने लिया है कि वो within a week it crossed 1 million. So it shows that somewhere deep down people are starved for a good melody. Firstly, it was my privilege that I got such a song, because generally इस तरह का गाना लोगों को अपने करियर में बहुत बाद में मिलता है, and बहुत mature and experienced voices को ऐसे गाने मिलते हैं। तो मुझे मेरा ये मेरे करियर का सेकेंड गाना है, तो मुझे ये गाना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एंड हम जब सोच रहे थे कि ये गाना हमें करना चाहिए या नहीं, तभी मुझे पूछा गया था कि तुम सच में ये गाना अटेम्प्ट करना चाहती हो कि नहीं। तो तीन बार चार बार पूछा गया, रिकॉर्ड होने के बाद भी पूछा जा रहा है कि सच में तुम्हें ये कन्विंसिंग लग रहा है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि समवेयर इट वॉज अ चैलेंज, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जितना भी मेरा ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस जितना भी कम हो, जो भी है, बट आप जितना चैलेंजिंग काम करोगे उतना आप ग्रो करोगे लाइफ में। सो माई व्यू टू सिलेक्ट दिस सॉन्ग वॉज प्योरली दैट। हमने जब ये गाना किया, फिर मतलब रिकॉर्ड हुआ इतने अच्छे से, फिर हमने सोचा कि इस गाने को एक अच्छा लुक मिलना चाहिए, अच्छा लैंडस्केप चाहिए। और क्योंकि गाने में लाइव सिम्फनी है, तो अगर आप गाना सुनेंगे तो आपके जहन में कुछ विजुअल्स आते हैं, बहुत ग्रैंड विजुअल्स सामने आते हैं। तो ये गाना वैसा गाना नहीं था जिसको सुन के आपको लगे कि एक घर में या एक कमरे में इसको शूट कर सके। तो ये गाने की एक कुदरती एक फील होती है कि वो गाना क्या चाहता है। तो गाना ये गाना सुन के कोई भी बोल सकता है कि इसको एक बहुत लैविश और ग्रैंड शूट होना इसका लाजमी है। और बचपन से ही मुझे पहाड़ों से, हिमालय से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है,
तो मैं चाह रहा था कि इस गाने को ऐसे किसी रिमोट लोकेशन में जाके शूट करें जहाँ पे आमतौर पे गाने ना बने और दूर दूर तक वीराना हो, पहाड़ हो, बहुत खूबसूरत झील हो। तो उसके लिए जो लोकेशन सबसे पहले जहन में आया दैट वाज लद्दाख। बट शूटिंग दैट देयर वाज अ मेजर चैलेंज क्योंकि टेम्परेचर्स वर -11, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड एंड द क्लोथ्स वर नॉट फ्रेंडली। और ज़्यादातर जगहों पे ऐसा था कि ऐसे जहाँ हमने शूट किया, एक जगह पे नहीं किया, कई जगहों पे शूट किया, और दीज प्लेसेस वर एटलीस्ट 300 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो गाड़ी से जाके सूरज ढलने से पहले शूट करना और इतने मुश्किल हालातों में, दे वॉजंट इवन टॉयलेट्स देयर, मतलब होटल तो दूर की बात है। तो हम चाह रहे थे कि ये लोगों के सामने ऐसे विजुअल्स आए जिन्होंने पहले कभी देखा ना। Like my, this song specially when this crossed a million views, I was very happy because मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह का गाना भी हम सोचते हैं कि generally trend follow नहीं कर रहे हो तो लोग सुनेंगे नहीं, but ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का अपना ऑडियंस होता है एंड अच्छा म्यूज़िक हमेशा अप्रिशिएट होता है, सो आई थिंक दैट इज़ proven। एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से मन था कि जो हमारे देश के जवान हैं, जो सोल्जर्स अपने परिवारों को छोड़ के दूर दराज एरियाज में रहते हैं जिनके कारण से हम सेफली अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ करने का मन था। अब मैंने बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक किया, अलग अलग सिचुएशंस आए हैं, लेकिन कभी अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी सोल्जर के लिए कोई गाना बनाऊँ। तो तुम चलना इज़ अ लव सॉन्ग, नो डाउट, बट इट्स अ स्पेसिफिक लव सॉन्ग, इट्स अ लव सॉन्ग अबाउट अ जर्नी, इट इज़ अ जर्नी ऑफ दिस पर्सन जहाँ बहुत सारी मुश्किल और व्यवधान का सामना करते हुए वो फाइनली अपने बिलवेड तक पहुँचती है। सो इफ़ यू सी द वीडियो यू कैन सी दैट यू नो दिस मैन इज़ पोस्टेड इन अ वेरी रिमोट एरिया, मे बी समवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वुमन इज़ कम लुकिंग फॉर इट। तो एक तरह से एक ट्रिब्यूट है हमारे जवान के लिए। सो दैट्स वाई द नेम केम, तुम चलना, तुम साथ चलना। मैंने सिर्फ गाया नहीं है, म्यूजिक कंपोज किया है। इन दिनों मतलब इस तरह के गाने बन रहे हैं जी, कौन सा ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मगर फिल्मों में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, आप जो चाहे वो कौन सा नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात को जो करना चाह रहे हैं वो एक लिबर्टी होती है। एक चीज़ जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो एक परिवर्तन आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कि पहले हमारे पास एज अ कंपोजर अलग अलग सिचुएशन हुआ करते थे गाना करने के लिए, ठुमरी हो, दादरा हो, क्लासिकल हो, फोक हो, प्योर वेस्टर्न हो, कैबरे हो, देर वर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। इंक्रीजिंगली इन द लास्ट 5 ईयर्स ये जो सिचुएशंस है ये बहुत घटती जा रही है। मतलब आप देखोगे ज़्यादातर फिल्मों में गाना आए तो वही लड़की दारू पार्टी, एक ही सीक्वेंस का गाना आता है, किसी और सीक्वेंस का गाना शायद बनना ही बंद हो गया है। तो एक तरह से ये एक झेप है एज अ कंपोजर की जो सामान मेरे अंदर है, जो कॉम्पोजिशन मेरे अंदर है, वो शायद इस ज़िंदगी में सिर्फ फिल्मों से पूरा ना हो पाए। तो इसी कारण से मैं इस रास्ते पे चला, अब 3-4 साल हो गए हैं कि हर महीने एक बड़ा गाना मैं करता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ फिल्म, ताकि मैं सिर्फ फिल्मों तक मोहताज ना रहूँ एज अ कंपोजर। तो इन गानों में मेरे साथ लकीली बहुत से बड़े आर्टिस्ट जुड़े हैं, तो कम से कम 10-15 गाने मेरे श्रेया के साथ है, श्रेया घोषाल, गुलजार साहब के साथ बहुत सारे गाने हैं, सोनू निगम है, हरिहरन साहब है, देयर्स कैलाश खेर, देयर इज शान, देयर इज कविता कृष्णमूर्ति, सो ऑल ऑफ देम हैव कोलैबोरेटेड विद मी ऑन सिंगल्स। और ये मेरा नसीब है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ अपार्ट फ्रॉम फिल्म ऑल्सो। और इसी अम्ब्रेला में कुछ कुछ जो नया आर्टिस्ट है, जो नई आवाज़ जो कानों तक पहुँचती है, जिस आवाज़ में एक नई बात हो, एक फ्रेशनेस हो, तो उनको भी आगे ले जाने का एक प्रयास है, एंड दैट्स व्हाई आर्या इज़ हियर। ओके आर्या, मेरा सवाल आपसे होने वाला है कि सिंगिंग तो आपने अच्छी की है, हमने देख लिया, फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाने में फीचर करना, और कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको, सिंगिंग या गाने का फीचर? नहीं, ऐसा मुझे दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, मुझे दोनों में मज़ा आया है।
बिकॉज सिंगिंग मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, तो मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ कि हाँ मुझे जाके गाना है, तो वो एक प्रिपरेशन होता है. बट फीचर करने के लिए वो एक्सपीरियंस मुझ में अभी तक है नहीं, था नहीं, अब हो गया है. सो बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई वुड लव फीचरिंग इन माई ओन सॉन्ग. सो एंड आई थिंक इट्स लेकिन बहुत इसको इनको तकलीफ दी गई है, क्योंकि जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स थे और जिस लोकेशन में हमने शूट किया, आइडियली यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर होना चाहिए, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी तेज और बर्फीली हवाएं और -11 डिग्री टेम्परेचर, आप सोच सकते हैं कि आदमी सिकुड़ जाए. तो ऐसे माहौल में ऐसी हवाओं में इस तरह के ग्लैमरस क्लोज में शूट करना, इसके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि एक शॉट हम लेते थे उसके बाद इनको फिर ओढ़ना पड़ता था. मेरा कोल्ड टॉलरेंस बहुत खराब, और कई बार ऐसा हुआ कि ये रोना शुरू हो गई. तो मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशनल मॉडल से वो करवाना बहुत भारी पड़ता, शायद मुश्किल होता, क्योंकि इनका अपना गाना था, एक लगाव था. तो इसलिए अंडर सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस वी कुड शूट. ऐसा कुछ चीज हो जो आपने शेयर किया, क्योंकि आपने इतने सारे गानों में काम किया है, आलिया का दूसरा ही गाना है, तो आपने ऐसा कुछ शेयर किया जिससे कि वो और कॉन्फिडेंट हो जाए गाने में फीचर होने के लिए? देखिए, मैं शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाना आपका है और अगर आप बहुत खजेले नहीं है देखने में, तो आप ही को फीचर करना चाहिए. क्योंकि किसी और मॉडल को बॉम्बे से ले जाके लोकेशन में ले जाके किसी और के गाने पे लिपसिंग कराना, वो अब बिल्कुल नहीं चलता. आप दुनिया भर में देखेंगे, जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं, जो सिंगिंग स्टार्स हैं, सब अपने वीडियो में खुद ही फीचर करते हैं. मतलब वो मॉडल को लगा देना, वो शायद थोड़ा डेटेड हो गया कॉन्सेप्ट. आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल रिलेशन राइट नाउ. एंड मतलब पहला गाना जब हुआ था तब मैं बहुत डरी सी थी, क्योंकि बट यू नो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी फर्स्टली, बिकॉज आप डेब्यू कर रहे हो एंड आपको इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने रिनाउंड कंपोजर का अगर बैकिंग मिले, तो वो बहुत एक अच्छा स्टेप होता है अपने करियर के लिए. तो आई वॉज प्रिविलेज्ड ऑलरेडी. तो पहले गाने के वक्त उतना मैं मिक्सअप नहीं हो पाती थी, समाओ मैं इतना ओपन अप नहीं हो पाती थी. सेकेंड गाने तक आई वॉज ऑलरेडी यू नो प्रिटी फ्री एंड आई यूज टू शेयर माई व्यूज ऑन द सॉन्ग. माई मतलब मैं जब गाना अटेम्प्ट करती थी तो मुझे जो भी चीज़ें डाउटफुल लगती थी या मुझे लगता था कि कुछ इस तरह का मैं सोच रही हूँ वो करके देखती, तो आई थिंक वो लिबर्टी मैंने लेना शुरू किया थोड़ा सा. पिछले गाने में मैंने ज़रा भी नहीं लिया था. एंड तो आई थिंक या दैट वे इट्स वर्किंग वेल विद अस. सो इन द पास्ट ईयर, बिकॉज आप घर पे गा रहे हो, आप इधर उधर थोड़ा बहुत शोज करते हो, तो वो एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन माइक पे गाना इज़ अ वेरी डिफरेंट चैलेंज. एंड व्हेन यू फर्स्ट गो इन फ्रंट ऑफ द माइक, यू रियलाइज कि हर चीज़ मैग्नीफाई हो जा रही है. यहाँ पे मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता. तो आई थिंक उस हिसाब से ही हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट टू मी. ही गाइडेड मी वेल कहाँ पे किस तरह का वोकल कल्चर यूज़ करना चाहिए. तुम और मैंने इनको डराया भी था ये गाना चुनने से पहले. तो मैंने जब ये गाना कंपोज किया तो मुझे लगा कि ये गाना मैं किसी श्रेया घोषाल या कविता कृष्णमूर्ति या जो बहुत एक्सपीरियंस नामचीन सिंगर है, उनके लायक गाना था. बहुत मुश्किल गाना है, आसान गाना नहीं है. तो इजी साउंड करता है, सुनने में कई बार लगता है कि आसान है, लेकिन जब वो नोट्स आप लगाते हो तो पता लगता है कि गाना बहुत मुश्किल है. तो मैंने इनको कई बार चेतावनी दी थी कि ये गाना शायद आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आप थोड़ा और वक्त लीजिए, बाद में ये गाना करते. बट शी वॉज क्वाइट हेलबेंट कि नहीं, ये गाना मुझे करना है. तो इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रेशन हैं, उसमें मैंने आवाज़ को एक प्रिसीडेंस दिया है. आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ओवरवेलम कर रहे हैं आवाज़ को, क्योंकि मशीनड आवाज़ें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप सुन के आपको समझ में नहीं आता कि ये किसकी आवाज़ है. सारी आवाज़ें एक जैसी लगती है, क्योंकि सारी आवाज़ में इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है कि प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट निकलता है वो लगभग एक दूसरे का क्लोन लगता है सुनने में. तो एज अ न्यू वॉइस, एक नई आवाज़ की पहचान तभी होनी चाहिए जब ऑडियंस तक वो आवाज़ नहीं लगे कि यार ये कौन सी आवाज़ है. अगर सारी आवाज़ें आप मशीन कर दें, टेम्पलेटाइज कर दें, तो हो सकता है वो अच्छे लगे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते. तो एक मैंने, क्योंकि 4 पीढ़ियों के सिंगर के साथ काम किया है,
मेरे एक फिल्म में आशा भोसले जी ने गाया है, उसके बाद वाला जो जनरेशन था, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण साहब, हरिहरन साहब, उनके साथ मैंने काम किया है। उनका अगला जनरेशन जो है यू नो पीपल लाइक श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शान, सोनू निगम, उनके साथ काम किया है। और ये जो आज की पीढ़ी है, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से कंपोजिशन शुरू किया था। तो ये जो म्यूज़िक का बदलता हुआ रुख है, उसमें एक चीज़ समझ में आती है कि आवाज़ वही लंबे रेस का घोड़ा होता है जिस आवाज़ की एक पहचान हो। सबसे बड़ी बात है पहचान, उसके बाद दूसरी बात है कि आप अच्छा गाते हो, कितना अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो। लेकिन अगर पहचान ही ना हो तो फिर आप भीड़ में खो जाते हो और वो आवाज़ आती है जाती है, समझ में नहीं आता। आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने दो फिल्मों में गा लिया, लेकिन आवाज़ ठहरती नहीं है। तो इस गाने में इतना प्रयास मेरा रहा है कि आवाज़ ऐसी रहे, ऑर्गेनिक रहे, एकदम जो आवाज़ ओरिजिनल है वही रहे, कोई प्रोसेसिंग ना हो। और उसमें सिम्फनी से सपोर्ट किया है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप सुनते हैं इसमें लाइव वायलिंस है, कुछ बहुत नामचीन प्लेयर्स हैं जैसे जीतू ठाकुर, इन लोगों ने बजाया मेरे लिए। और क्योंकि गाना एक ग्रैंड सिम्फनी की तरह मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, अरेंज किया था, तो इसलिए इसको लद्दाख में जाके इतनी मुश्किलात उठा के इसको शूट भी किया, ताकि वो ग्रैंडनेस कैनवस में बरकरार रहे। क्योंकि आप देखेंगे आजकल ज़्यादातर फिल्मों के गाने में भी जो है इंडोर में शूट करके एक कमरे के अंदर शूट करके छोड़ देते हैं, या हीरो हीरोइन बातचीत कर रहे हैं, गाना बैकग्राउंड में चल रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि गाने की जो उड़ान है, एक गाने की जो परवाज़ है, वो हो नहीं पाता। जो पहले जैसे यश चोपड़ा जी शूट करते थे या जैसे विजय आनंद साहब शूट करते थे, गाने के तवज्जो दे के, गाने के कैनवस को, गाने को प्रधान बना के उसको शूट करते थे। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में गाना आया, चार टुकड़ों में आया। तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि एक गाने को तीन तीन टुकड़े में बांट के थोड़ा यहाँ लगा दिया थोड़ा, तो दैट्स लाइक ट्रीटिंग अ सॉन्ग लाइक अ बैकग्राउंड स्कोर, यू नो। तो इस गाने को कायदे से शूट करने की इच्छा थी, और बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए हमने किया। और 7 दिनों में क्योंकि 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो गया है ऑर्गेनिकली, तो ये ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगा है। कंपोजर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी आवाज़ को जो है साउंड से ठीक किया जाता है, मशीन से ठीक किया जाता है, इन दिनों बहुत सारे एक्टर्स भी जो है सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एज अ कंपोजर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सिंगर का काम सिंगर को करना चाहिए या फिर एक्टर जो गाना गा रहे हैं वो ठीक है? देखिए एक्टर की एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो जो एक हीरो की फ़ैन फॉलोइंग है वो एज अ हीरो उसको मिलता है, और एक जो सिंगर की फ़ैन फॉलोइंग है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज और हर वॉइस। अब गाना एक कुदरती देन है, अगर मेरे पास आवाज़ है तो मैं गा सकता हूँ आसानी से, अगर नहीं है तो पूरी ज़िंदगी कोशिश करके भी आप गा नहीं सकते हो, क्योंकि वो यू आर बॉर्न विथ इट और यू आर नॉट बॉर्न विथ इट। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि तमाम कलाओं में, हो सकता है एक्टर्स को बुरा लगे, जो गाने की जो कला है वो ज़्यादा महीन कला है। क्योंकि किसी को भी लेके अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा एक्टिंग कर दीजिए, तो 9 out of 10 पीपल कैन एक्ट अ लिटिल बिट। हो सकता है वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग ना करे, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आवाज़ नहीं, अगर सुर नहीं है, तो चाहे कितना भी आप कोशिश करें, आप सालों भर लगे रहे, आप गा नहीं सकते। तो गाने की जो हुनर है, जो कला है, वो और महीन कला है। तो क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर ऐसा आविष्कार हुआ जिसका नाम है मेलोडाइन, तो मेलोडाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप माइक पे आके कविता भी बोल दें, ताल में कविता बोल दें, तो उसको काट काट के हम उसको सुर में ला सकते हैं। जो रिकॉर्डिस्ट अगर आप बहुत बेसुड़े हैं तो रिकॉर्डिस्ट जो है 10 दिन तक मेहनत करेगा, अगर आप थोड़ा बहुत सुर में गाते हैं तो रिकॉर्डिस्ट शायद 2 दिन में उसको सुर में ले आए, तो जो भी है। लेकिन मेलोडाइन का एक साइड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट ये है कि ये सारी आवाज़ों को एक जैसा कर देती है, यू नो। जैसे मैक बर्गर है, अपने मैकडोनल्ड में जाके बर्गर ऑर्डर किया, आपको 200 बर्गर मिलेंगे, सबका टेस्ट सेम होगा। तो आवाज़ की जो पहचान है, आवाज़ की जो टेक्सचर है, उसको वो ऐसा कर देता है कि वो सारी आवाज़ एक जैसी लगती है। सो आई डोंट नो, मे बी इट्स अ जनरेशन, इट्स अ न्यू चेंज, आई कैनॉट बी जजमेंटल अबाउट इट। जो कमज़ोर सिंगर है वो भी इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि मेलोडाइन है। जो पहले कभी सिंगर बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे, वो भी आज गा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर है। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर जो है सब लोगों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। इसलिए सिंगर्स के लिए एक ड्रॉबैक भी है इसको लेकर आप? नहीं, देखिए जो पुराने सिंगर्स थे जैसे लता जी या किशोर कुमार साहब, एक दो शब्द वो गा दे तो आप समझ जाएंगे आवाज़ किसकी है। तो वो होती है एक आवाज़ की पहचान। तो मुझे लगता है कि पहचान कहीं खोता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हैं और पब्लिक भी कन्फ्यूज है कि कौन कौन क्या गा रहा है। आर्या, इम्पोर्टेंट जैसे अभिषेक ने बताया कि उसके लिए क्लासिक के लिए हाउ मच आर यू ट्रेन्ड
I've been learning music properly since the past 4-5 years now, and you know, it's true, it is important if you want to be a good singer. Now, taking support of Melodyne or something is, I mean, that is not something that makes you an artist. It's okay, aapne gaya, wo Melodyne ho gaya, theek hai, gaana nikla. But there's nothing so great about it. I mean, a person who is taking so much support of the computer should not boast himself or herself as a singer, I believe. But if I want to be an artist, truly an artist, I need to learn what it is. I need to understand the essence of it. And I think as I learn and as I keep working, I will, you know, understand it better. And that will also reflect in my art. So I think that's the main motive that I think most everybody should have, ideally. बिल्कुल. एक्चुअली गुलजार साहब इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल कि आज मैं बॉलीवुड में हूँ, क्योंकि मेरे जो पहले दो नामचीन एल्बम्स थे जिसके कारण मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ, दैट वॉज उदास पानी एंड राज चांद और मैं, जो मैंने हाई स्कूल में किया था. तो मैं एकदम बच्चा था और गुलजार साहब मेरे सामने एक बरगद की तरह थे, और कोई पारिवारिक रिलेशन नहीं था. हम लोग एयरपोर्ट में मिले थे और मैंने अपनी मासूमियत में उनको एक ऑडियो टेप दे दिया था जिसमें मेरे कुछ कॉम्पोजिशन थे. उस ऑडियो टेप के बलबूते पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और खुद बोला कि वो मेरे साथ एल्बम में कोलैबोरेट करना चाहते हैं. तो वो उस शख्स की महानता है कि उन्होंने मेरे कॉम्पोजिशन को तब, जब मैं इतना कच्ची उम्र का था, रिकग्नाइज़ किया और मुझे वो उंगली पकड़ के एक तरह से जो है बॉलीवुड में लेके आए. और उसके बाद मेरी किस्मत ऐसी रही कि मैंने बहुत भिन्न भिन्न किस्म की फिल्मों का म्यूज़िक किया, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम पान सिंह तोमर, विच वॉज अ प्योर डेकॉयट, यू नो, इट्स अ बायोपिक ऑफ अ मैन हु बिकम्स अ डेकॉयट, ऑफ एन आर्मी मैन हु बिकम्स अ डेकॉयट. फ्रॉम देयर टू अ प्योरली यू नो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म लाइक वेलकम बैक. तो अब दिग्वांशु दुलिया साहब एक अलग मिजाज के डायरेक्टर हैं, अनीस बग्मी साहब एकदम ही अलग मिजाज के डायरेक्टर हैं. फिर सुधीर मिश्रा साहब के लिए मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब फिल्म में काम किया, ये सारी जिंदगी, इरफान खान वाज द स्टार ऑफ दिस फिल्म. सो देन विद नाना पाटेकर साहब आई हैव डन अ कपल ऑफ फिल्म, जिसमें से एक फिल्म बहुत करप्ट कॉप, यू नो, जो जहन में आती है वो फिल्म शागिर्द. तो बहुत अजीबोगरीब फिल्में मुझे मिलती आई हैं, और नॉट रेगुलर ओनली मेन स्ट्रीम सिनेमा, आई हैव डन चिल्ड्रंस फिल्म्स आल्सो, लाइक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म आई एम कलाम. तो ये चैलेंज मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अलग अलग किस्म के गाने करने पड़ते हैं अलग अलग फिल्मों के लिए. और मुझे लगता है ये ज़मीन जो ये जो चैलेंज है अलग सिचुएशन में अलग गाना बनाना और अलग अलग दिशाओं में काम करना, ये चीज़ मैंने गुलजार साहब से सीखी है, क्योंकि आई फील दैट ही इज़ अ टैलेंट हु इज़ टाइमलेस. अब कहाँ वो बंदिनी में मोरा गोरा रंग ले ले, वहाँ पे वो आए थे एज अ लिरिसिस्ट, और आज तक राजी ये जो फिल्में अब तक वो लिख रहे हैं, बरकरार है. कितनी सदियाँ आई चली गई, कितनी पीढ़ी आई चली गई. तो ये तभी मुमकिन है अगर आपके अंदर वो वर्सेटाइलिटी, वो वेरिएशन है एज एन आर्टिस्ट. क्योंकि मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा सीमित है और रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं तो सिर्फ इस तरह के गाने बनाता हूँ, तो फिर आप इतने लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकते. चप्पल जी आज यहाँ पर आए जी, मेरा सौभाग्य है. मैं चाहता हूँ कि एल्बम वो रिलीज करे और रिबन वो काटे. So I'll just ask him to do that. Yeah. Do the meet for sure. I'd like to specially thank Mr. Champak Jain, who's the founder of Venus, to have been here to bless us on this moment. We would request him to cut the ribbon of the album for us. And I want to say, I am privileged. I'm feeling, you know, I'm really feeling so blessed right now that he himself has come here. So I think I'm pretty speechless right now. We'll actually. और ये भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कहना चाहूँगा, ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होगा, कि चंपक जी के लिए कुछ बहुत खूबसूरत गानों पे मैं काम कर रहा हूँ, जो जल्दी ही जो है ऑडियंस के सामने सुनने को मिलेगा. सबसे पहले मैं अभिषेक के बारे में बात करूँगा कि वो मैं अभिषेक को मतलब
लास्ट 3-4 साल से जानता हूँ। हम लोग साथ में काम करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा काम हो जाए, लेकिन अब लेकिन उसके पहले इनका जो काम मैंने देखा है और इतना खूबसूरत गाना, और जो ये काम उन्होंने किया है बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने गाना भी रिकॉर्ड किया है प्लस उसको मतलब जो नई अपनी सिंगर आर्या है उसके साथ उन्होंने अच्छा वॉइस उसका, और उसके बाद उसको शूट भी इतना खूबसूरत तरीके से किया है। तो एक मैं इनका एक्चुअली मुझे इनका जो काम है आज के जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उसमें मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, एक डिफरेंट है उनका जो ऑर्केस्ट्रा का स्टाइल अलग है उनका, मतलब हर जैसे इंस्ट्रूमेंट है कुछ आज के म्यूजिक डायरेक्टर है ना बहुत सारे जो मतलब वो उसको मशीन के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनमें जो बात है ना वो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए वो सोलो चाहिए, मतलब लाइव चाहिए कि भाई ये अगर फ्लूट है तो फ्लूट यहाँ चाहिए, वायलिन है तो वायलिन चाहिए, तो हर चीज़ वो मतलब आज जो आज हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने की भाई मशीन में सब आ गया, हर चीज़ मशीन में रिकॉर्ड हो रही है, वो नहीं है इनका, तो वो सुनने में भी एक यूनिक लगता है और इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का जो अभी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरत है म्यूजिक डायरेक्टर नए न्यू कमर में जो लॉर्ड है उसमें ये सबसे बेस्ट लगता है, और इनके साथ अभी इतना एक खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हो चुका है, ये बताया नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हो चुका है और वो इतना खूबसूरत है जो आपको एक दो महीने में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा जो हम लोगों के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब जो लोग आजकल कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि रिमिक्स बहुत हो रहे हैं तो मैंने इनसे कहा भाई रिमिक्स तो बहुत हो गए हैं, हम भी कर रहे हैं, लोग बहुत चिल्ला भी रहे हैं कि भाई रिमिक्स मत करो, कोई बात नहीं रिमिक्स अपनी जगह पे करना ही पड़ता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मेलोडी इन्होंने एक लिरिक्स हमने इनको दिए हैं और बहुत खूबसूरत काम किया है जो आपको बहुत पसंद आया, पूरा हिंदुस्तान हिलेगा मुझे मालूम है गाना, क्योंकि मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ उनको इस गाने के लिए बधाई देने। इन्होंने लेह में बहुत अच्छा शूट भी किया, गाना भी खूबसूरत है, नए सिंगर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरी तरफ से मेरी कंपनी की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ, ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, आप इंडस्ट्री में इतने सालों से पहले बहुत मेरे सॉन्ग बनते थे, इन दिनों म्यूजिक का हाल कुछ अलग है, डेफिनेटली एज अ बिजनेस पर्सन जिस तरह का ट्रेंड चलता आप ही कर रहे थे, लेकिन आप खुद को इतना मतलब पसंद है किस तरह के गाने पसंद है और जो अभी आप मानते थे जो गानों में जो होना चाहिए वो नेचुरल नहीं है। नहीं नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने अभिषेक के साथ काफ़ी डिस्कशन किया इस बारे में, मैंने बोला जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर अगर डरना बंद नहीं करेगा ना तब तक वो अच्छा काम नहीं करेगा, उसको डरना नहीं है, कोई भी क्रिएटिव आदमी हो चाहे वो म्यूज़िक में हो चाहे वो एक्टिंग में हो वो सामने वाले से डरे नहीं, वो प्रोड्यूसर से डरता क्यों, वो अपनी बात रखे कि भाई ये अच्छा है ये चलेगा आप कोशिश तो करो। अब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर अपना गाना बनाता है तो वो हमेशा काफ़ी रेफरेंस देता है, मुझे ये रेफरेंस देता था वो रेफरेंस देता है ये बना वो बना, तो म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर अगर इनको आगे जाना है तो सामने वाले क्रिएटर से डरना नहीं है, उनको हीरो से डरना नहीं है, प्रोड्यूसर से डरना नहीं है, अपनी बात तो कहे कम से कम तब जाके अच्छा काम बनेगा। अब जब हमने ये काम किया तब मैंने बोला फ्रीडम के साथ इनको पूरा फ्रीडम दिया कि मैंने एक छोटा सा लिरिक्स उनको दिया है, मैंने ये लिरिक्स आप कंपोज कीजिए उसको, आप मुझे सुनाइए, आप डरिए मत मुझसे कि मैंने 30-35 साल काम कर लिया तो मैं बड़ा पॉप हो गया हूँ, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने इनको पूरा फ्रीडम दिया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग म्यूज़िक डायरेक्टर को फ्रीडम दें अच्छी तरह से, आज उनको बोले कि तुम बनाओ कि लाओ कोई अच्छा नया गाना बना लो, जब उनको छूट दी जाएगी ना तब वो अच्छा काम करेंगे, आज मुझे लगता है वो डर के काम करें।